Welcome back to Jinnah Stadium, Gujranwala. It's game over here in Marhor Champions League. Rising Zebras ko 80 run darkar. Apna tisra match jo wo khel rahe hain, usme se dusra match jeetne ke liye. Yaad rahe, Rising Zebras ne abhi tak do matches khele hain. Ek mein unko shikast hui, ek mein unhone jeet haasil ki. Dusri janib Charging Leopards ne kal ek match khela, usme unko shikast hui. Com box mein mere saath maujood Zubair Abbasi. Zubair, Sarwar Bhatti aur Ashraf Bhatti ne abhi tak achhi umpiring ki hai. Meanwhile, जो टैलेंट पूल हमें नजर आया है वो बड़ा कमाल है. अच्छे कंपेरेटिव मैचेस हो रहे हैं. बड़ी बेहतरीन क्रिकेट आज की दिन हो रही है दानिश, और देखना होगा यहाँ पर राइजिंग ज़ेब्रास के दोनों बल्लेबाज अरसलान अच्छी बट और मुख्तियार चचड़. मुख्तियार चचड़ सिंध से इनका ताल्लुक है और हाई प्रोफाइल बल्लेबाज हैं टेप बॉल क्रिकेट के, और अरसलान अच्छी बट पाकिस्तान बेसबॉल को भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये दोनों बल्लेबाज आपके स्क्रीन के सामने. बिल्कुल, अरसलान अच्छी बट और उनके साथ मुख्तियार, दोनों ही जबरदस्त बैटिंग करते आए हैं राइजिंग ज़ेब्रास के लिए. बट ज़ुबैर, ये मैच और ये इनिंग्स कुछ मुझे गूज़बम्प्स दे रहे हैं, क्योंकि बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है. एक तरफ राइजिंग ज़ेब्रास की जबरदस्त बैटिंग है, दूसरी जानब बहुत बहुत सीनियर बॉलर्स हैं चार्जिंग लेपर्स के पास. ज़हीर कालिया बॉलिंग का आगाज करते हैं, दूसरा ओवर कर्नल जाहिद कराते हैं. तो किसी भी अच्छी बैटिंग लाइनअप को बैकफुट पर धकेलने के लिए काफ़ी हैं ये दोनों. बिल्कुल दानिश, यहाँ पर बैटिंग साइड का इम्तहान होगा तगड़े बॉलर्स के सामने. उस्ताद ज़हीर कालिया टेप बॉल क्रिकेट को, टेप बॉल क्रिकेट 20 से 22 साल हो गए हैं टेप बॉल क्रिकेट प्रोफेशनल तरीके से खेल रहे हैं, और कर्नल जाहिद हाल ही में लाहौर कलंदर का हिस्सा भी रह चुके हैं जी. और इनफॉर्म बॉलर्स वर्सेस इनफॉर्म बैट्समैन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेप बॉल क्रिकेट, जहाँ दो से तीन प्लेयर्स मैच का नक्शा बदल देते हैं. सिर्फ 6 ओवर ही होते हैं. आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अरसलान अच्छी बट है, अलबत्ता मुख्तियार नॉन स्ट्राइकर एंड पे मौजूद. जी बिल्कुल, दोनों बल्लेबाज विकेट पर मौजूद हैं. उस्ताद ज़हीर कालिया का अगर सामना हो आपसे दानिश, तो फिर क्या करेंगे आप उस्ताद ज़हीर कालिया के सामने? मैं भागता बहुत तेज़ हूँ ज़ुबैर. मैंने दौड़ लगा लेनी है जी, अनटिल अनलेस मैं कोई एक दो महीना इनको फेस करूँ और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँ, और फिर मैच में मैं इनके खिलाफ उतर आऊँगा. नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पर मौजूद लुत्फंदोज़ होते हुए, ये फ्यूचर स्टार्स हैं पाकिस्तान का. पहला बॉल उस्ताद ज़हीर कालिया, यहाँ पर अरसलान अच्छी बैट का पहले बॉल पर शॉट और फील्डर मौजूद, हिट्स गॉट, फर्स्ट विकेट गोज डाउन. पहला नुकसान अरसलान अच्छी बैट की सूरत में. इसे कहते हैं दादा उस्ताद ज़हीर कालिया, नंबर वन बॉलर ऑफ पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट. वाओ, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. बिल्कुल, अरसलान अच्छी बट अभी तक इसी किस्म की बैटिंग करते आए. रिप्ले में देखें आप, एक अच्छा बॉल था, नॉट टू शॉर्ट, नॉट टू फुल, उसको फोर्स करना चाहते थे मिड विकेट की जानब, लेकिन वो एलिवेशन हासिल नहीं कर पाए. अगर अच्छा कैच लिया डीप में प्रोवाइडर, हमने काफ़ी सारे ड्रॉप कैचेस देखे हैं. दिस वॉज वेरी वेल टेकन. अच्छी बट मोमेंटम अपनी तरफ लाना चाहते थे ज़ुबैर, बट उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए था ज़हीर कालिया को, एक्सपीरियंस बॉलर हैं. पहले ही बॉल पर PK 313 के तहत पवेलियन जाना पड़ा अरसलान अच्छी बट को. राइट, ज़हीर कालिया कामयाबी हासिल की पहली गेंद पर. ज़हीर कालिया ने हमें टॉस में बताया था कि हम 70-80 रन भी बनाएंगे तो हम मैच बना सकते हैं. ज़हीर कालिया द ब्रांड ऑफ पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट. अब नए आने वाले बल्लेबाज इनाम काला फ्रॉम लाहौर, दाता की नगरी लाहौर से ताल्लुक है, और बॉलर उस्ताद ज़हीर कालिया का ताल्लुक भी दाता की नगरी लाहौर से है. तो दोनों लाहौरी यहाँ पर होंगे आमने सामने. बिल्कुल, इट्स इनाम काला वर्सेस ज़हीर कालिया. राइजिंग ज़ेब्रास को 80 रन दरकार हैं. यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है, और राइजिंग ज़ेब्रास को भी अपनी स्ट्रेटजी में इस बात को मद्देनजर रखना होगा कि सिर्फ 80 रन दरकार हैं इनको, उनको 100 रन, 110 रन, 120 रन दरकार नहीं है. तो कहीं ना कहीं ज़हीर कालिया को और कर्नल ज़ाहिर को रिस्पेक्ट दी जा सकती है ज़ुबैर. और हमने कल भी देखा था राइजिंग ज़ेब्रास को 5वें और 6 ओवर में मुश्किल का सामना करना पड़ता है. जी बिल्कुल, यहाँ पर देखना होगा, ये इनाम काला लाहौर से इनका ताल्लुक है, और सिंगल विकेट के स्पेशलिस्ट बैट्समैन है. कुछ अर्सा पहले 4 छक्के लगाए थे इन्होंने उस्ताद ज़हीर कालिया को. आज गुजरांवाला स्टेडियम में आमने सामने दोनों लाहौरी. दादा उस्ताद ज़हीर कालिया, इस दफा फुल टॉस बॉल, इसे खेल दिया बाउंड्री लाइन से बाहर. फील्डर यहां पर सिर्फ बॉल को देख सकते थे. खूबसूरत छक्का यहां पर रसीद किया, इस्तकबाल किया है छक्के के साथ इनाम काला ने उस्ताद ज़हीर कालिया का इस ओवर में. दैट इज जस्ट माइंड
ब्लोइंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बहुत पेस से बॉल करते हैं ज़हीर कालिया और पहली बॉल का सामना कर रहे थे इनाम काला। कितने टैलेंटेड हैं ये जो फौरन पेस को पिक किया और डिस्पैच किया छह के लिए। उस्ताद ज़हीर कालिया अपने ओवर का तीसरा बॉल करेंगे। इस दफा उम्दा बॉल, बॉल फोड़ने के बाद अंदर आया उस्ताद ज़हीर कालिया का बेहतरीन हार्ड लेंथ पर यहां पर बॉल किया था और कोई मौका नहीं था इस दफा इनाम काला के पास बड़ा शॉट लगाने का। ब्लाइंड खेल रहा, ब्लाइंड खेल रहा। वाकई में उस्ताद जी बहुत अच्छा बॉल हो रहा है। आप देखें जब ज़हीर कालिया ने ग्रिप पकड़ी थी और बिल्कुल जिस तरह हार्ड बॉल में नहीं सीम के साथ ग्रिप पकड़ी जाती है उस तरह पकड़ के उन्होंने उंगलियों को घुमाया है बॉल के ऊपर से, जिस वजह से इन स्विंग मिला उनको। जबरदस्त बॉलिंग का मजा आया। उस्ताद ज़हीर कालिया बड़े मैच के बॉलर हैं और मैच विनिंग बॉलर हैं उस्ताद ज़हीर कालिया। अपने ओवर का चौथा बॉल करेंगे यहाँ पर इनाम काला लाहौर को। ज़हीर कालिया इस दफा यहाँ पर शॉट, बॉल जाएगा बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और बुलंदों वाला छक्का यहाँ पर रसीद किया इनाम काला ने इस ओवर में, दूसरा छक्का। क्या ही बात है इनाम काला आपकी, ज़हीर कालिया को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं जो वो डिजर्व करते हैं। अच्छा बॉल था एक बार फिर। इट्स ज़हीर कालिया वर्सेस इनाम काला एंड फिलहाल इनाम काला बाजी मार रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, जानते हैं इनाम काला ज़हीर कालिया की लाइन और लेंथ को, एक दूसरे के साथ काफी क्रिकेट खेलते हैं। एक बार फिर से दादा उस्ताद ज़हीर कालिया देख रहा होगा कमबैक करने में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं। एक और उम्दा बॉल, ये वो लाइन है जहां पर उस्ताद ज़हीर कालिया को बॉल करना चाहिए। बेहतरीन इस बॉल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इसे कहते हैं दादा उस्ताद ज़हीर कालिया तजर्बे का समुंदर। कितने काम और कंपोज नजर आ रहे हैं इनाम काला इस वक्त और ऐसा लगता है कि अच्छी क्रिकेट इन्होंने खेली हुई है और यकीनी तौर पर हार्ड बॉल भी खेल चुके हैं। जिस तरह लेग अंपायर से इन्होंने चेक किया कितनी बॉलें बाकी रह गई हैं, कंफर्म हुआ एक ही बॉल रह गई है। जियो सुपर प्रोडक्शन मुलाहिजा कर रहे हैं आप, दुनिया भर में ये टेप बॉल क्रिकेट एंटरटेनिंग क्रिकेट देखी जा रही है। उस्ताद ज़हीर कालिया इस बार फुल टॉस बॉल और इसे भी खेल दिया बाउंड्री लाइन से बाहर छह रन के लिए, डीप स्क्वायर लेग की जानिब खूबसूरत छक्का। तीसरा छक्का रसीद किया है इस वक्त इनाम काला ने ज़हीर कालिया को और एक बार फिर it was a mere flick of the wrist and that's all it took। कमाल टाइमिंग है इनाम काला की। This is some serious skill on display here at Jinnah Stadium Gujranwala। जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस इनाम काला की जानिब से। जी हाँ बड़ी उम्दा बल्लेबाजी यहाँ पर इनाम काला की और इनाम काला आ चुके हैं और जाग चुके हैं। एक ओवर 18 स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। कर्नल जाहिद स्पीड स्टार ऑफ लाहौर मंझे हुए बैट्समैन मंझे हुए बॉलर का सामना करेंगे। दोनों ही बड़ी शौहरत रखते हैं टेप बॉल क्रिकेट में, स्पेशलिस्ट हैं राइट। जाहिद कर्नल थोड़ा सा पीछे धकेलते हुए एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को। फॉर बॉल अपडेट्स यू कैन विजिट www.crickslab.com जहां पर आपको तमाम तरह स्टैट्स मिलेंगे be it high scores or top wicket takers। here comes zahid kernel is to yahan par shot khela fielder maujood ek ball tappa khane ke baad boundary line se bahar unlucky rahe yahan par kernel zahid is tarah ki fielding nahi karni hogi agar leopards ki team ko ye match apne naam karna hai। रिप्ले में आप देखिए जाहिद कर्नल को गुस्सा इसी वजह से आया है कि ना तो चौका रुका और ना ही कैच की अटेम्प्ट की गई। दोनों में से एक चीज़ अगर होती तो शायद जाहिद कर्नल इतने गुस्से का इजहार नहीं करते। अगर अटेम्प्ट होता और उसमें चौका लग जाता तो समझ में भी आती। बैट बाउंस भी मिला टेप बॉल में, होता है ये खासतौर पर जब आप घास पर खेल रहे होते हैं। कर्नल जाहिद हाल ही में लाहौर कलंदर का पार्ट थे और अब टेप बॉल की दुनिया में इनमें टेप बॉल की दुनिया में काफ़ी अर्से के बाद इनकी वापसी हुई है। देखना होगा यहाँ पर बख्तियार चचर इस दफा उम्दा बॉल लाइक अ ट्रेसर बुलेट, बेहतरीन बॉल यहां पर कर्नल जाहिद की जानिब से।
आप देखा कर्नल जाहिद ने भी या इन स्विंग दिखाई हमें अपनी और ये भी रिस्क का इस्तेमाल कर रहे हैं. Right, we'll move on towards the sidelines जहां मौजूद हैं साथी एंकर इस्मा असलम. Over to you, इस्मा. थैंक यू सो मच दानिश. ट्रिपल ए एसोसिएट्स मारखोर चैंपियंस लीग डे 3 थर्ड मैच इस वक्त जारी है और चेज करने वाली टीम जो है सेकंड इनिंग चल रही है इस वक्त और अच्छा लाठी चार्ज हो रहा है. इनाम ने काफ़ी छक्के जो हैं पहले मैच में लगा दिए हैं और ये सब लीग का जो लाइव आप देख रहे हैं अपने टी वी स्क्रीन पर जियो सुपर की एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन है और इसको आपके टी वी स्क्रीन तक लाने में स्पॉन्सर्स का बहुत बड़ा हाथ है और स्पॉन्सर हैं पेप्सी के मीडिया सेल पेप्सी के सेल्स मैनेजर हैं बहजाद. वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे. बहजाद, हाउ प्राउड आर यू? एक तो गुजरावाला में ये लीग हो रही है, दूसरा बहुत ही टाइम के बाद गुजरावाला स्टेडियम में कोई हलचल हो रही है एंड वी ऑल नो कि जहां भी क्रिकेट होती है वहां पे पेप्सी तो होती होती है. जी, थैंक यू सो मच. वी आर सुपर एक्साइटेड एक्चुअली. देयर आर कपल ऑफ थिंग्स. फंस पेप्सी इज प्राउड पार्टनर फॉर दिस क्रिकेट एंड सेकंड थिंग इट इज हैपनिंग इन गुजरावाला एंड पाकिस्तान. Cricket is reviving more and more and it is happening like blue everywhere and green. It's combination of very good combination and we are very happy. We are super excited like the Jio Super is. ठीक है, हम देख रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल से ही जो है पेप्सी स्पॉन्सर करता है तो ज़ाहिर है आप स्पॉन्सर करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट किस तरह से चल रही है. गुजरावाला पे गुजरावाला के जो बच्चे हैं जो आने वाली जनरेशन है उस पर क्या इम्पैक्ट डालने वाली है ये लीग? देखिए, सो फॉर द गुजरावाला इज कंसर्न इट्स वेरी गुड बिजनेस हब बट सो फॉर द क्रिकेट इज कंसर्न क्रिकेट में छोटे टाउन से टैलेंट को उभारना और ये सारी चीज़ें पेप्सी इसका स्पॉन्सर रहा है और वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट कि हमेशा से टैलेंट एक्विजिशन और इन सारी चीज़ों में पेप्सी इज लाइक इन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और ये बहुत ही अच्छा है. इस तरह के इवेंट्स वी होप नियरली वी विल इंशाल्लाह द कोविड सीन विल बी सून ऑफ और वील हैव इन अ फुल स्टेडियम. आपकी कोविड वाली बात से मुझे अंदाजा हुआ कि यू आर मिसिंग द क्राउड. यस, डेफिनेटली आई एम मिसिंग द क्राउड. इट्स द एक्साइटमेंट, इट्स द बज़ वी आर मिसिंग राइट हियर एंड द नॉइज वी डू क्रिएट और इट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली. वील बी सून इंशाल्लाह वील बी मीटिंग दैट अगेन इंशाल्लाह वेरी सून. थैंक यू सो मच बहजाद हमारे साथ ही. ओवर टू दानिश इन द कमेंट्री बॉक्स. बहुत शुक्रिया इस मसलम आपका. जाहिद कर्नल की एक और पेसी डिलीवरी, बकायदा उनका ग्रंट सुनाई दिया हमें, काफी जोर लगाया और इस बार आउटस्विंग किया. आपने देखा दोनों तरफ घुमा रहे हैं जाहिद कर्नल. बाउंड्री कर दो, बाउंड्री सही हो जाएगा. कर्नल जाहिद बड़ी बेहतरीन बॉलिंग कर्नल जाहिद की जानिब से और इस ओवर में कोई मौका नहीं दिया. पहली बॉल पर बाउंड्री जरूर लगी लेकिन उसके बाद जबरदस्त कमबैक किया इस ओवर में कर्नल जाहिद. कर्नल जाहिद स्पीड स्टार ऑफ लाहौर. सामने मुख्तियार चचर, सिंह से इनका ताल्लुक है और बड़े शॉट्स लगाने की सलाहियत मौजूद है. इस ओवर में बल्ला खामोश है कर्नल जाहिद के सामने. बिल्कुल, लेकिन ज्यादा देर खामोश रहेंगे नहीं मुख्तियार, कुछ करो या मरो की फिलॉसफी रखते हैं मुख्तियार चचर. इस दवा यहां पर बेहतरीन शॉट, आसमान से बातें करती हुई बॉल गई है सिंध की जानिब बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए. ओहो, बहुत ही बड़ा छक्का मारा है भाई, बहुत दूर तक गई है ये बॉल और उतनी ही ऊंची भी. जुबैर कमाल शॉट खेला है पूरी ताकत के साथ. इट वाज देयर टू बी हिट बट कनेक्ट किया मुख्तियार ने. व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट दैट वाज. काफी महंगा ओवर रहा ये जाहिद कर्नल का. शुरू की 5 बॉलों तक तो ठीक था, 9-10 रन आए थे, छक्का लग गया, 16 रन आ गए. सरबत मलिक ऑफ कश्मीर वैरायटी मास्टर, शहीदों और गाजियों की सरजमीन से ताल्लुक है वादी कश्मीर से. सरबत मलिक का बॉल करेंगे इनाम काला को. 7 बॉलों पर 20 रन बना चुके हैं इनाम काला, तो आज देखना होगा सरबत मलिक की परफॉर्मेंस कैसी रहती है अपनी टीम के लिए. पहला बॉल करेंगे यहाँ पर. इस तो यहाँ पर शॉट खेले, फील्डर मौजूद, शुड बी गॉन एंड इट्स गॉन ऑल द वे फॉर अ मैक्सिमम. जुबैर ये छक्का हवा ने लगाया क्योंकि ये कनेक्ट नहीं हुआ था, टॉप एज लगा था लेकिन हवा चूंकि उस तरफ चल रही है तो बॉल जाता चला गया. अगर यही शॉट ऑफ पे खेला जाता, हमने बहुत सारे शॉट ऐसे देखे जो हवा के साथ वापस आ गए. देखिए रिप्ले में आप, ये देखिए यहाँ पर बॉल हवा में, काफी देर हवा में रहा बॉल और मोमेंटम के साथ जाता चला गया बाउंड्री से बाहर. ये
यहाँ पर शॉट खेला, इस दफा गेंद हवा में, फील्डर बॉल के नीचे, कैच हुआ ड्रॉप, कैच छूटा, सरबत मलिक का दिल टूटा और बॉल एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। क्या बात है आपकी, कैच छूटा, सरबत मलिक का दिल टूटा, फिलहाल तो फील्डर का भी दिल टूटा हुआ नजर आ रहा है, वो भी हवा को जज नहीं कर पाई। 31वां चौका था इस टूर्नामेंट का। अगेन जुबैर आप देखिए हवा का बड़ा दारो मदार है यहाँ पर, वहां बॉल गई थी तो हवा के साथ कैरी की, यहाँ बॉल आई तो हवा ने पीछे की तरफ धकेला, थोड़ा सा रीड करना चाहिए था विंड को, फील्डर को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था सरबत मलिक के साथ। एक बार फिर सरबत मलिक, इस दफा उम्दा बॉल, चेंज ऑफ पेस यहां पर था सरबत मलिक की जानिब से और बाइक की सूरत में मजीद एक रन का हो जाएगा, तो किस्मत यहां पर मेहरबान नहीं है सरबत मलिक पर। बिल्कुल, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, राइजिंग ज़ेब्रास के बैट्समैन इस वक्त काफ़ी बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बहादुर करते हुए नजर आए थे अपनी टीम के लिए। अगर वो अच्छी बैटिंग नहीं करते, ड्रॉप कैच का मंजर एक बार फिर काफ़ी देर तक हवा में रही और उसकी वजह से डिसीव हुए फील्डर और आगे की तरफ आ गिरी, परेशान थे, ये कैसे हो गया, ये तो मेरे हाथ में आ रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं। इनाम काला खतरनाक इरादों के साथ विकेट पर मौजूद हैं, 43 स्कोर हो चुका है एक विकेट के नुकसान पर राइजिंग ज़ेब्रास का। मुख्तियार चचर, इस दफा सरबत मलिक, कैच एक बार फिर से हुए ड्रॉप, नाराजगी का इजहार, जब किस्मत मेहरबान नहीं होती तो इस तरह के वाकयात आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, सरमद ने बाद में रियलाइज़ किया कि बहुत आगे गिर गया था बॉल और टॉप स्पिन था बॉल के अंदर, टॉप एज लगा था तो बिल्कुल ड्रॉप कर गया एकदम विकेट कीपर के आगे, वो इज़ अ डिफिकल्ट चांस, रिप्ले में आपको नजर आएगा, ये आप देख सकते हैं रिप्ले, और थोड़ा सा बॉल हल्का सा बॉल आगे गिरा और एफर्ट उन्होंने अपनी तरफ से ज़रूर की लेकिन कामयाब ना हो पाए। बड़ी बेहतरीन बॉलिंग इस ओवर में, सरबत मलिक की तारीफ करनी पड़ेगी अगर एक कैच को देखा जाए और पहली बाउंड्री के अलावा कैच ड्रॉप हुआ अगली बॉल पर और फिर मुख्तियार चचर को मौका मिल रहा है इस मैच में खुद को मनवाने का। इस दफा शॉट खेला यहां पर अलॉन्ग द ग्राउंड, फील्डर यहां पर मौजूद है, एक रन का हो जाएगा। बिल्कुल, मुख्तियार काफी डिसअपॉइंटेड थे, वो कनेक्ट नहीं कर पाए और रिवायती अंदाज से बॉल को जरूर चेक करेंगे, हालांकि बॉल की पेस को जज नहीं कर पाए थे मुख्तियार, बॉल ठीक है वापस बढ़ाएं, इसी बॉल पे छक्का पड़ेगा आप देखिएगा, खुश नहीं है वो, कह रहे हैं हल्का सा टेप फटा हुआ है जिसकी वजह से बॉल स्विंग होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जुबैर, टेप बॉल में जरा सा भी होल हो ना बॉल के अंदर मामूली सा भी तो वो स्विंग का सबब बनता है। जी बिल्कुल, मुख्तियार चचड़ आप नॉन स्ट्राइक पर हैं, इनाम काला फ्रॉम लाहौर, दाता की नगरी लाहौर से ताल्लुक, अवर का आखिरी बॉल, फंबल हुए यहाँ पर सरबत मलिक, अस्सी का टारगेट है यहाँ पर राइजिंग ज़ेब्रास की टीम को, इस टीम के मेंटोर हैं हसन रजा, पाकिस्तान के सबसे कम उम्र तरीन टेस्ट क्रिकेटर जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और दुनिया के सॉरी वर्ल्ड के सबसे कम उम्र तरीन क्रिकेटर हैं टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के भी। इस दफा यहाँ पर शॉट खेला इनाम काला ने, इस बॉल को दिखाया बाउंड्री का रास्ता, एक और बुलंदों वाला छक्का, इनाम काला यू ब्यूटी, कड़ाकेदार छक्का ओवर के इख्तिताम पर, इसे कहते हैं दाता की नगरी लाहौर का शहजादा, 50 स्कोर 3 ओवर्स का इख्तिताम हो चुका है एक विकेट के नुकसान पर। Right, Rising Zebras chasing 80 runs to win this match already on 50 for 1 after 3. Is duran compox mein bhi tabdili hui hai aur manje hue commentator jinko bahut jald inshallah hum mainstream mein bhi dekhenge, Hasnain Liaqat ne humme join kar liya, Hasnain acha match chal raha hai, bahut tagdi bowling, ek bahut तगड़ी बैटिंग लाइनअप का सामना कर रही है, लेकिन इस वक्त राइजिंग ज़ेब्रास बाजी मार रहे हैं। बहुत शुक्रिया दानिश, और इस वक्त ये शॉट आप देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत छक्का जो कि बाउंड्री का रास्ता दिखाया, और देखिए बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग है इस वक्त सईद कालिया, कर्नल जायद, वैरायटी मास्टर का एक बेहतरीन ओवर, लेकिन उसके बावजूद भी मैच में अब सनसनी नहीं रही, मेरा ख्याल है कि वन साइड मैच हो चुका है, आप क्या कहते हैं दानिश? You never know, ज़हीर कालिया उस्ताद हैं इस गेम के, कुछ भी कर सकते हैं, अलबत्ता 18 गेंदों पर 30 रन दरकार, दिस शुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर राइजिंग ज़ेब्रास।
ज़हीर कालिया। Oh, Joseph Voltas deposited into the stands. Over long on, down for six runs. चूक हो गई थोड़ी सी ज़हीर कालिया से, वरना इस किस्म का इनडिसिप्लिन इनकी जानिब से देखते नहीं है। 151वां छक्का था ये टूर्नामेंट का, तीसरा ही दिन है अभी, 151 छक्के लग चुके हैं स्नैन। दैट्स द ब्यूटी ऑफ टेप बॉल क्रिकेट दानिश, और टेप बॉल क्रिकेट में यही होता है, आपको छक्के, आपका जो तमाशाई है वो आपसे छक्के एक्सपेक्ट कर रहा होता है। देयर इज नो रूम फॉर सिंगल एंड डबल। कितने मजे की बात है कि सिंगल तो डबल्स इतने नहीं होंगे जितने छक्के हैं। एग्जैक्टली, अगर ये काउंट किए जाए ये फिगर्स भी, तो दैट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर हम ये फिगर्स भी काउंट करें कि सिंगल और डबल कितने लगे। राइट, मैच हाथ से निकाल के लेके जा रहे हैं इस वक्त राइजिंग ज़ेब्रास के बैट्समैन मुख्तियार, शानदार बैटिंग कर रहे हैं एक बार फिर। अच्छा बॉल, बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा लो रहा, और यही खासियत है करण जायद उस्ताद ज़हीर कालिया और करण जायद इन कंपनी की, और ये तमाशाइयों के मनाज़िर आप देख सकते हैं दानिश। बिल्कुल, दरवाजे यहाँ पर बंद हैं, स्पीस का ख्याल रखा जा रहा है। अलबत्ता क्राउड इतना मोहब्बत करता है इस गेम से कि फिर भी किसी न किसी तरह ग्राउंड के अंदर दाखिल हो ही जाता है। राइट, कितनी जल्दी ख़त्म करेंगे मुख्तियार ये गेम, दैट्स द क्वेश्चन नाउ। ज़हीर कालिया has left the station. Or again, behtareen ball, brilliant experience ka istemal kar rahe hain Danish Ustad Zahir Kalia, aur isi wajah se inko ustad kaha jata hai. Isko kehte hain chalaki Hasnain, jiska muzahira kar rahe hain Zahir Kalia, aur yahi par experience hota hai. Tape ball mein bhi aap dekhen, experience बोलता है। ज़हीर कालिया जिस तरह अपनी रिस्क का इस्तेमाल करके अंदर की तरफ काट रहे हैं बॉल, इसी तरह बाहर भी काटते हैं और चकमा देते हैं, और उसके साथ साथ हसनैन पेस में भी वेरिएशन लेके आ रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ हिज रिस्ट, ये उसी रिस्क से स्लोर वन भी करवाते हैं, और वहीं से पेसी, ऑफ कटर, लेग कटर, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तमाम वेराइटीज़ मौजूद हैं ज़हीर कालिया के पास। ज़हीर कालिया राइट बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, शुड बी वाइड, और ओ यहाँ पर ड्रामा हो सकता था अगर ज़हीर कालिया थ्रो फेंक पे। क्यों क्यों सिंगल बनाना है यहाँ पर जब छक्को चौको से काम चल रहा है, 15 गेंदों में 23 रन दरकार है, इस किस्म का रिस्क लेने की कतई जरूरत नहीं है। इनाम काला ने अभी तक जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, बड़ा इंप्रेस किया मुझे इनाम काला ने। आपका मिजाज भी मुझे टेप बॉल वाला लगना स्टार्ट हो गया, छक्को को पसंद करना स्टार्ट हो चुके हैं आप। Again, waiver delivery. Coming back to your question, Asnain, I think हमें हर रंग में रंग जाना चाहिए और ढल जाना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी बड़ी ज़रूरी है इंसान में। और then again, क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे, चाहे टेप बॉल से हो रही हो, हार्ड बॉल से हो रही हो, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट तो भरपूर होती है। आपकी शख्सियत का खासा है, आपको जहाँ पर रखा जाए आपकी शख्सियत का खासा है ये कि आप उसमें जो है ना ढल जाते हैं। Because same goes for Jio Super. We produced hockey tournaments, we produced tape balls tournaments, we produced hardball tournaments. और हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आप तक quality end product पहुंचाया जाए। इस बार भी white ball, उस्ताद away रखना चाहते हैं मुख्तार चचड़ की range से, लेकिन white पे control नहीं कर रहे, और सरवत बट्टी अपने मखसूस अंदाज में white ball देते हुए। बिल्कुल, अब टेप बॉल से इस किस्म की प्रिसिजन दिखाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हवा में भी बॉल थोड़ा सा मूव कर रहा होता है, तो कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। ज़हीर कालिया एक्सपर्ट है इस मामले में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि दो बड़े ही इनफॉर्म बल्लेबाज उनके सामने हैं। लेकिन अब 15 बालों पर 21 स्कोर रह चुका है, मिरेकल ही जितवा सकता है यहाँ पर ज़हीर कालिया एंड कंपनी को। ज़हीर वंस अगेन, उड़ता शॉट बार हवा में, वाओ वाओ वाओ, व्हाट अ शॉट दैट वाज दानिश। बिल्कुल, ये पहला छक्का है जो टॉप गैलरी तक जा गिरा, जबरदस्त टाइम किया इसको इस बार मुख्तियार ने। मुख्तियार ने बड़े बुलंद बाला छक्के लगाए इस टूर्नामेंट में, ये देखें इस एंगल से आपको नजर आएगा कितनी दूर तक गया है, ये हाइट भी थी और डिस्टेंस भी कमाल है जी, कमाल है। उस्ताद ज़हीर कालिया के लिए फ्लाइट पी के 303 इस वक्त तैयार है, क्योंकि अगले राउंड में ही नहीं पहुंच सकते। इस वक्त अगर ये मैच हार जाते हैं तो इनका वही हाल होगा जो
पहले हारने वाली टीम माउंटेन रोलिंग लाइन का हुआ अली नदीम एंड कंपनी के साथ। गेंद बड़े जोरदार तरीके से खेला था, इस वक्त डिप्स करने के ऊपर फील्डर मौजूद हैं, एक रन का इजाफा होगा स्कोर में। एक गेंद बाकी रह गई उस्ताद जहीर कालिया की, अलबत्ता गेम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब देखना होगा कि बस कितनी जल्दी ख़त्म होता है ये, कुछ ऐसे ही आसार पांचवें ओवर से चल रहे हैं क्योंकि पहले चार ओवर में ही गेम बना गए थे ये दोनों बल्लेबाज। बड़ी स्ट्रेटजी से आए हैं तमाम तर जो खिलाड़ी हैं राइजिंग जेब्रास के, उस्ताद शाहजहान ने तमाम तर ओपनिंग पेयर्स बदलाए अपने और उसके बाद आपका रिजल्ट देख सकते हैं कि बड़े पॉजिटिव रिजल्ट हैं उनकी टीम के लिए। इस बार काफ़ी आउटसाइड दी ऑफ बॉल थी, अगर इसको लीव करते तो वाइड भी मिल सकती थी। इनाम काला अभी तक बड़े प्रॉपर शॉट्स खेलते हुए नजर आए, इस बार थोड़ा सा ओवरडू कर गया। आफ्टर 4 इट्स 66-1। Right, Rising Zebras are 67-1 और इनाम काला बेहतरीन बैटिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं इस वक्त। आज पहली बार देख रहा हूँ मैं इनको एक्शन में, इससे पहले इनका नंबर थोड़ा नीचे था शायद जैसे आपने बताया इसने, बट छुपा के रखा हुआ था क्या इनको? ये स्ट्रेटजी थी इस वक्त उस्ताद शाहजहान की, क्योंकि इनाम काला के ताल्लुक भी लाहौर से है और जहीर और कर्नल का भी ताल्लुक लाहौर से है, उनको ज़्यादा खेलते हैं, उनको जानते हैं कि कहाँ पर वो बॉल डिलीवर करते हैं। And it definitely paid off, जी बड़े कमाल शॉट खेले इनाम काला ने। Here he is once more. और खूबसूरती से खेला है इस वक्त, वन बाउंस, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा, बड़ी देर की मेहरबान आते आते और अच्छी फील्डिंग बड़ी कम कम नजर आई है मार्को चैंपियंस लीग 2021 में। काफी सारे ड्रॉप कैचेस हमने देखे हैं, मेरे ख्याल से ड्रॉप कैचेस की तादाद भी सिंगल से ज्यादा ही होगी। अब मुश्किलात आसान होती हुई, 11 बालों पे 11 स्कोर है दानिश, और अगर ये लेदर बॉल क्रिकेट हो ये आपको मनाजिर दिखा रहे, बड़ी खूबसूरत फील्डिंग। अब ओ ओ ओ ओ ओ बच गए। एक वेवर डिलीवरी, यकीनी तौर पे वाइड का इशारा होगा अंपायर की जानिब से, अलबत्ता वहाँ पर मुश्ताक नज़ीर बैठे हुए थे बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर जहाँ पर ये मामला देखा हमने, तो उनको नज़र आ जाता अगर टच होती तो। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और दानिश लेदर बॉल क्रिकेट में स्टिल अगर 11 बॉल्स पे 10 रन रहते हों तो आप किसी टीम को फेवर नहीं दे सकते, लेकिन टेप बॉल में एक छक्के की दूरी पे होती है आपकी जीत। बिल्कुल, इवन T20 क्रिकेट में भी अगर इतने रन चाहिए और आपके पास 9 विकेट हों तो भी कह सकते हैं। एज एंड टेकन, इनाम काला इज गॉन आफ्टर प्लेइंग अ वेरी हैंडफुल नॉक, बट आई गेस इट्स टू लिटिल टू लेट। इनाम काला अपना काम करके वापस जा रहे हैं, आप देखें एक बार फिर लेग स्टंप पे स्लॉक करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, हल्की सी अंदर की तरफ कटी भी थी बॉल, शायद इसी वजह से मिस कर गए। बिल्कुल ऐसे ही है, अब देखें जो बॉलर अब ऑपरेट कर रहे हैं हुसैन, इनको नहीं जानते थे इनाम काला और वहीं पे डिसीव हुए, जिन बॉलर्स को वो जानते थे उनकी स्ट्रेंथ्स को जानते थे, उनके खिलाफ बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की इनाम काला ने और मैच विनिंग इनिंग्स खेल के जा रहे हैं इस वक्त अपनी टीम के लिए। वही प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जो दिखाई हमें शाहजहान मीर जट ने, वही प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर जहीर कालिया दिखाते इनाम, बट इनाम को अपने सामने देखकर अगर हसनैन को लगाते तो शायद बेहतर नतायज पेश हो सकते थे, बट उमर गुज्जर अब क्रीज पे आ चुके हैं, एक जाता है दूसरा आता है, उमर गुज्जर भी बड़े बड़े छक्के लगाते हैं। He is a superstar from Gujarat. अब देखते हैं उमर गुज्जर कैसी बल्लेबाजी करते हैं। खूबसूरती से खेला है, मिड विकेट के ऊपर फील्डर मौजूद है, डीपर थे, इनर सर्कल में आए और इसी इस्नाम एक रन का इजाफा। बिल्कुल, उमर गुज्जर का ताल्लुक जिसके आपने बताया गोजरा से है, तो ये क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, वहाँ तो ज़्यादातर हॉकी होती है, बड़ा सेटअप है गोजरा में हॉकी का, और असलम उस्ताद असलम रोडा हॉकी अकेडमी वहाँ पर मौजूद है, वी वेंट देयर एज वेल अ कपल ऑफ इयर्स बैक, और बड़ा हॉकी का टैलेंट निकलता है गोजरा से, एक क्रिकेटिंग टैलेंट आपके सामने एक्शन में। फिलहाल मुख्तियार फेस करेंगे हसनैन को, ब्रिलियंट बॉल, इस वक्त देखिए बड़ी इंटेलिजेंट बॉलिंग कर रहे हैं और थोड़ा सा बॉल पड़ने के बाद हल्का सा मूवमेंट आया शायद हवा की वजह से, लेकिन बेहतरीन बॉल।
बिल्कुल, और उतनी ही जोर से मुख्तियार इस शॉट को मारना चाहते थे, अगर कनेक्ट हो जाता ना तो ये गुजरांवाला में तो नहीं रहता बॉल, क्योंकि बहुत जोर से बल्ला घुमाया था उन्होंने, बाकायदा शुक की आवाज़ भी आई थी हमें मतलब आप इसको कराची लेके जाना चाहते थे, मुख्तार का ताल्लुक भी सिंध ही से है, तो शायद उनका भी माइंड यही था कि बॉल को लगाएंगे और कराची का रास्ता दिखाएंगे। कुछ पता नहीं अपने दोस्तों को बोल के आए हो, मैं छक्का मारूंगा आएगा बॉल, वो इंतजार कर रहे होंगे। आठ बाले नो स्कोर, क्या कोई ड्रामा होगा दानिश? नहीं। और राइट हैंड ब्लॉक और लाइक इट इज अ बुलेट, और एक रन का इजाफा होगा, और अच्छा ओवर है निस्बतन, आखिरी ओवर तक तो ले गए हैं, अगर कर्नल यहां पर कोई मौजजाती ओवर कर दें तो मुश्किलात हो सकती है अगर ये बॉल डॉट हो जाए। बिल्कुल, अब हसनैन ने मौजजाती ओवर करा दिया ऑलरेडी यहाँ पर, और इस ओवर में गालिबन सिर्फ 5 रन ही आए अभी तक 5 गेंदों पर, सो एक्सेप्शनल बॉलिंग बाय हसनैन हियर। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, एक बॉल अगर डॉट हो जाता है तो कर्नल बहुत बेहतरीन बॉल करवा सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर कर्नल यहाँ पर उनको 6 से 7 रन मिल जाए तो उनमें एबिलिटी है, उन्होंने बहुत दफ़ा किया है और इस बार भी वो करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इट्स ए डू एंड डाई स्टेज फॉर कर्नल ज़ाहिद एंड कंपनी। राइट, क्रूशियल डिलीवरी है, उमर गुजर सामना करेंगे हसनैन का, उड़ता हुआ शॉट, बॉल हवा में है, फील्डर बॉल के नीचे, लेकिन मैं तमाशाई का किरदार अदा करेंगे, बॉल पहुंची है बॉडी लाइन से बाहर, एक ऊंचा लंबा और फलक शगाफ चक्का उमर गुजर के बल्ले से निकलता हुआ। बिल्कुल पावर शॉट था उमर गुजर की जानिब से, आफ्टर 5 इट्स 78 फॉर 2। और इस तरह राइजिंग ज़ेब्रास ने आज का अपना तीसरा मैच जीत लिया, और छक्का मार के मैच का इख्तिताम किया मुख्तियार ने, जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करते हुए नजर आए मुख्तियार, और आज उनकी टीम को अशद जरूरत थी इस जीत की, क्योंकि वो 2 मैच खेल चुके थे, 1 जीते थे 1 हारे थे, आज का मैच जीत कर ये अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गए। बिल्कुल ऐसे ही है, और एक सुपरस्टार टीम को हराया यहाँ पे, कर्नल ज़ाहिद और ज़हीर कालिया एक सुपरस्टार टीम थी, ये 2 पाकिस्तान टेबल के मुस्तनद तरीन बॉलर थे और इनका साथ दे रहे थे कोटी एक्सप्रेस से सरबत मलिक, लेकिन दोनों मैच हार के अपना अगला सफर इनका बड़ा मुश्किल हो चुका है इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल जुबैर मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, और बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर किया उन्होंने, आज 3 बड़ी टीमें आउट हो गई हैं हसनैन, और ज़हीर काली की टीम भी आउट हो गई, फहद मियां चन्नू की टीम भी आउट हो गई, अली नदीम जो पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन में शुमार किए जाते हैं उनकी टीम भी आज इवेंट से बाहर हो गई है, सो द अंडरगो डॉग्स आर डूइंग अ बेटर जॉब हियर। एक बार फिर आपने देखा राइजिंग ज़ेब्रास की जानिब से बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया हसनैन। बिल्कुल जो भी टीमें बाहर हुई हैं वो ये देखें, राइजिंग ज़ेब्रास अरसन आना अच्छी बट 0 पे आउट हुए, मुख्तियार चाचा 32 स्कोर बनाए 14 बॉलों पे, इनाम काला ने 38 बनाए 14 बॉल्स पे, उमर गुज्जर 7 रन बना पाए 2 बॉल्स पे, और काम हो गया तमाम। चार्जिंग लेपर्ड्स के एक्सपीरियंस बॉलर्स की एक ना चलने दी आज राइजिंग ज़ेब्रास ने, ज़हीर कालिया 2 ओवर में 32 रन देकर काफी एक्सपेंसिव रहे, कर्नल ज़ाहिद ने 1 ओवर कराया 13 रन दिए, सब मलिक अच्छी ओवर अच्छी गेंद करा रहे थे लेकिन उनको भी 1 ओवर में 1.1 ओवर में 23 रन पड़े। Right, gentlemen, Charging Leopards have lost the match and Rising Zebras have won their second match of the tournament. और इस तरह वो अगले लेवल तक पहुंच चुके हैं इस टूर्नामेंट में, और नॉकआउट स्टेजेस शुरू हो जाएंगे